हेलो मेरे प्यारे मित्रों एवं विद्यार्थियों, यूट्यूब पर प्रियंक व्यास राजे के नाम से मेरा चैनल सर्च करें और उस पर क्लिक करते ही आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, इसे दबा लें। दबाते ही सब्सक्राइब हो जाएगा। पास में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस करें, ऊपर ऑल वाला जो है उस ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक आता रहेगा, और यहाँ पर लाइक वाला बटन दबा दें और पास में मौजूद शेयर बटन से सब जगह पर इसे फैला दें। एक बार ही आप सब्सक्राइब करेंगे, एक व्यक्ति एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है हिमांशु व्यास, आज फिर से डोज 11 लेके तैयार हैं। शाम की 6 बज चुकी है और आप लोग मेरे साथ पढ़ाई करेंगे, ऐसा आपने वादा किया है भैया। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, आई होप कि आप नोट्स बना रहे होंगे। और कई बच्चों के हमारे पास कमेंट भी आए हैं, एक हमारे भाई साहब बहुत अच्छा, उन्होंने कमेंट हमको भी दे दिया, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एक चौहान साहब है हमारे, उन्होंने कहा है कि सर आपके जो ये वीडियो है ना हमारे लिए भगवान के रूप में साबित हो रहे हैं। परंतु भैया ऐसा कुछ भी नहीं, हम कोई भगवान नहीं है, हम केवल एक आप लोगों का सहयोग करना चाहते हैं, ताकि क्योंकि हमारा ये जो जीवन है ना ये तो बच्चों को समर्पित है भैया, आप समझ लीजिएगा। प्रियंक व्यास सर और हमारा, हम जब तक जिएंगे तब तक बच्चों को विद्यार्थियों को हमेशा पढ़ाते रहेंगे, ये हम लोगों ने ठान लिए भैया कि आपको जीके करवानी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब, आपने इतना अच्छा कमेंट हमको दिया, परंतु बिल्कुल आप हमारे भाई लोग हो और हम हमेशा आप लोगों के लिए तत्पर रहेंगे, जितना हमसे हो सकता है हम आप लोगों के लिए करेंगे। बस आप भी हमारे लिए कुछ करिएगा, इस वीडियो को हर बच्चे तक, जो वास्तव में ज़रूरतमंद बच्चा है, जिसको वास्तव में पढ़ने की एक जिज्ञासा एक ललक है, उस तक आप ज़रूर इस वीडियो को पहुँचा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए नासा से चंद्रमा पर पहली बार सेलुलर नेटवर्क, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है आज का, बनाने के लिए किस कंपनी को पार्टनर के रूप में चुना है जिससे चंद्रमा की सतह पर मानव बस्ती, क्या बात है दोस्तों, पृथ्वी पे तो बस्ती है ही, चंद्रमा पर आने वाले समय में चंद्रमा पर बस्ती होगी भैया, हम ऊपर होंगे, चंदा मामा के वहां होंगे। तो वहां पर बसाने का मार्ग प्रशस्त किया, मतलब वहां पर नेटवर्क बन जाएगा। आप खुद सोचिए, आजकल का मनुष्य बिना नेटवर्क के रहना ही पसंद नहीं करता है। अभी एक दिन समझ रहे हो, 24 घंटे के लिए नेट बंद कर दो भाई, 24 घंटे के लिए, साला अंदर से खलबली मच जाएगी, खलबली, अंदर का हमारा जो भूतड़ा है ना, भूतड़ा बाहर निकल जाएगा, ये क्या हो गया, ये पूरा अस्त व्यस्त, दिमाग बेकार हो जाएगा, है ना। रियल कह रहा हूं मैं, सही कह रहा हूं ना, यस और नो बोलो, यस और नो दिल से बोल लो। तो वहां पर चंद्रमा पर मानव बस्ती बसाने का जो काम नासा कर रही है, उसने अपने पार्टनर के रूप में किसको चुना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नोकिया, टी मोबाइल, जियो, वेरिजोन, जियो ने तो सब लोगों को जीवा दिया है, लेकिन इसका द राइट आंसर है नोकिया। याद करिए नोकिया, पहले हमारे मोबाइल हुआ करते थे, नोकिया याद आया, छोटा सा बहुत अच्छी कंपनी हुआ करती थी, तो नोकिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा खिलाड़ी आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग में 200 मैच खेलने वाला है, देखो इस ससुरा टेस्ट मैच में लोग नहीं खेल पाते 200 मैच, एक दिवस में नहीं खेल पाते हैं, एक भाई साहब हमारे 200 मैच खेल गए आईपीएल में, सोच के देखो आप कितने महान व्यक्ति होंगे। खेलने वाला पहला क्रिकेटर है, आपको ही बताना कौन है भाई, क्रिकेटर के बड़े प्रेमी हो ना आप, या पाटियाले के 6-4 घने करते हो आप, हैं तो बताइएगा, उत्तर बताइएगा इसका, विराट कोहली, एमएस धोनी, एबी डिविलियर्स, शेन वॉटसन, जल्दी से कमेंट में उत्तर कीजिएगा बेटो, जल्दी से करिएगा, जल्दी से, ये तो आपको आना ही चाहिए उत्तर, देखो बहुत सिंपल सवाल है, कोई राइट आंसर बोलेगा भाई साहब धोने वाला काम कौन करता है, एक ही व्यक्ति करता है धोने वाला काम, कौन करता है, एमएस धोनी साहब करते हैं। तो सीधी सी बात है, आईपीएल को धो दिया, 200 मैच खेल के बैठ गए भाई साहब, कितने 200 मैच, और इन पे पिक्चर भी बनी है, सुशांत राजपूत जो हमारे बीच में अब नहीं रहे, उन्होंने उनकी एक बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है एमएस धोनी पर, आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निवार, निसर्ग, गति, अम्फान, ये उत्तर अगर आपने नहीं दिया ना तो बच्चों हम नाराज हो जाएंगे आपसे, अक्सर अखबारों में सुनते ही हो आप, निवार, निसर्ग, गति, अम्फान, ये क्या है, ये चक्रवाती तूफान है कि भूकंप है कि बाढ़ है कि ग्लोबल वार्मिंग है, क्या ये आखिर, जल्दी से, द राइट आंसर इज चक्रवाती तूफान, द राइट आंसर इज चक्रवाती तूफान। देखिए ये इसमें से जो गति है ना, याद रखना, ये जो गति चक्रवाती तूफान है ना, इसका जो नाम दिया है वो भारत ने दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार जब भी जहाँ पे जो चक्रवाती तूफान आता है तो अलग अलग देश इसके नाम देते हैं, तो गति का जो नाम दिया है ना भारत, याद रखने का क्या तरीका है, भारत गति कर रहा है, ठीक है, भारत क्या कर रहा है, गति कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, देखिएगा, DRDO द्वारा विकसित बाइक आधारित एम्बुलेंस,
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बाइक आधारित एम्बुलेंस। अब देखिए एम्बुलेंस चार पहिए की है, अगर कहीं भीड़ भाड़ ज़्यादा हो गई, कहीं पे जाम लग गया तो बेचारी एम्बुलेंस जाएगी क्या? नहीं जा सकती। आपसे भी निवेदन है, कभी भी एम्बुलेंस अगर आपको हॉर्न मार रही है तो आप उसको पहले जाने दीजिए, जल्दबाजी मत करिए भैया, उनको जाने दीजिए। उसमें कोई मरीज होगा, कोई बेचारा बीमार होगा, तो कम से कम आप उसकी जान बचाने में हेल्प कर पाओगे, याद रखिएगा, रिमेंबर इट। लेकिन यहां पर बाइक आधारित एम्बुलेंस बना दी गई है भैया, बाइक आधारित, यानी कि अगर किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में या कहीं जाम लग गया है तो वो बाइक ही एक प्रकार की एम्बुलेंस है, और वही फर्र देके चली जाएगी और वहां पे एक बार इनिशियली वहां पर उसको चिकित्सा सुविधा या जो भी है एक बार इनिशियली उपलब्ध करवाएगी, वहां से उठा के हॉस्पिटल वगैरह ले जाने का यह काम करने वाली है। ये जो एम्बुलेंस है इसका नाम क्या रखा गया है जल्दी से बताइए, डीआरडीओ ने बनाई है भैया? डीआरडीओ बना रहा है तो बहुत बड़ी बात हो गई है। सक्षम, राहगीर, रक्षिता या द लाइन, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। द राइट आंसर है रक्षिता, याद रखिएगा इस एम्बुलेंस का नाम है रक्षिता एम्बुलेंस। याद करने की ट्रिक क्या है भैया, आप एम्बुलेंस से किसी की क्या करते हो? रक्षा करते हो, उसके जीवन की रक्षा करते हो, तो याद रखिएगा रक्षिता। क्लियर, सभी को क्लियर हो रहा है? रक्षिता एम्बुलेंस बाइक आधारित है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन 5, मनोहर पर्रिकर, सभी को पता है हमारे गोवा के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर पर्रिकर, ऑफ द रिकॉर्ड वादा किया है, बुक का क्वेश्चन आ गया भैया, किसने लिखी है? विशाल पाटिल, वामन, सुभा प्रभु, शक्ति सिन्हा या श्रुति शर्मा, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। द राइट आंसर इज वामन सुभा प्रभु। देखिए ये इनकी याद पूरा, इन्होंने कंप्लीट मनोहर पर्रिकर की जो जीवन यात्रा है उसके बारे में कंप्लीट लिखा है, और हाल ही में गोवा के जो मुख्यमंत्री उन्होंने इसकी विमोचन किया है, तो इस बुक को लिखने वाले का श्रेय किसको जाता है? वामन सुभा प्रभु को। ठीक है, याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्माइल ऑन व्हील्स, देखिए बहुत अच्छी शुरुआत है, कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम यहाँ पर हमारे राजस्थान में, भारत में चल रहे हैं, परंतु हम उनसे अनभिज्ञ है, तो आइए हमारे साथ आइए ना भाई, हम हैं ना आपको बताने के लिए, आइए। स्माइल ऑन व्हील परियोजना किसके सहयोग से शुरू की गई है भाई? ग्रीन एनर्जी, एसबीआई बैंक, हिंदुस्तान जिंक, HSL हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। इतनी प्यारी योजना की शुरुआत किस व्यक्ति ने करी है? द राइट आंसर, किस कंपनी ने करी? हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक के बारे में सभी लोग जानते हो, सभी लोग जानते हो। देखो ये जो योजना है ना बेटा, स्माइल ऑन व्हील्स परियोजना, मतलब आपके चेहरे पे स्माइल भी आएगी। ये लगभग मैं आपको बता दूं, हमारे आसपास के उदयपुर, जावर माइंस है ना, रामपुर, अगुचा जो चित्तौड़ में है आपके, और साथ ही साथ आपका चंदेरिया चित्तौड़ के अंदर जो है, वो वहाँ के आसपास लगभग 83 गांव, कितने 83 गांवों के अंदर निशुल्क चिकित्सा सुविधा ये उपलब्ध करवाएंगे, निशुल्क चिकित्सा सुविधा वहाँ लोगों तक पहुँचेंगे। तो ये शुरुआत किसने करी है? हिंदुस्तान जिंक की एक बहुत ही अद्भुत और महत्वपूर्ण शुरुआत हुई है दोस्तों, तो याद रखिएगा हिंदुस्तान जिंक। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है? प्यारे विद्यार्थियों आपको फिर बता दूं, प्रियंक व्यास सर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर बहुत ही शानदार वीडियो बनाया, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के वीडियो मिलेंगे, चाहे आप देख लीजिए हमारे क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर जी आज़ाद, आप देख लीजिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित कई प्रकार के आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन नीचे बॉक्स में आप देख सकते हैं, आप एक एक वीडियो को देखिए और ज्ञान अर्जित कीजिए। तो किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, हावड़ा कालका मेल, निजामुद्दीन हबीबगंज एक्सप्रेस या वंदे भारत एक्सप्रेस? द राइट आंसर रहेगा हावड़ा कालका मेल। दोस्तों आपको बता दूं, 18 जनवरी 1941 को नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस थे वो अंग्रेजों को चकमा देकर कालका एक्सप्रेस ट्रेन से फरार हो गए थे, रवाना हो गए थे, उनको चकमा देकर बांद्रा बना दिया, उनको बेवकूफ बना के रवाना हो गए, बात आ रही समझ में है? हापोड़ दिया साहब, उनको जमेट दिया, अंग्रेजों को पता ही नहीं चला ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस कब निकल गए, तो वो कालका एक्सप्रेस ट्रेन से रवाना हो गए थे। इसी वजह से अभी जो हमारे रेल मंत्री है, कौन है पता है आपको? पीयूष जी गोयल, उन्होंने ये इसकी सूचना दी है कि इस हावड़ा कालका मेल जो पहले चलती थी अब उसका नाम क्या कर दिया जाएगा? नेताजी एक्सप्रेस। क्या कर दिया जाएगा? नेताजी, क्योंकि वो वहां से फरार हो गए थे, उस ट्रेन में बैठकर अंग्रेजों को बेवकूफ बना के, बांद्रा बना के चले गए, इसीलिए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, किस पूर्व लोकसभा स्पीकर, याद रखिएगा एक राज्यसभा होता है एक लोकसभा होता है, तो लोकसभा स्पीकर को पद्म भूषण से सम्मानित, बहुत बड़ा सम्मान है, पद्म भूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ओम बिरला, सीपी जोशी, सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार? द राइट आंसर इज सुमित्रा महाजन, याद रखिएगा सुमित्रा जी महाजन, इनको
पद्म भूषण मिलने वाला है। और आपको बता दूं साथ ही साथ अभी हमारे एक दिवंगत रामविलास जी पासवान जो है उनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है मृत्युप्रांत। नेक्स्ट देखिएगा गंगा डॉल्फिन दिवस, गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 5 नवंबर, 5 दिसंबर। द राइट आंसर इज 5 अक्टूबर। आप सभी लोगों को पता है हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने गंगा डॉल्फिन जो डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। तो याद रखिएगा तब से गंगा डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। मित्रों हमारे बीच में प्रियंक व्यास सर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको सूचना देने जा रहे हैं जो हमारे बीच में अभी उपस्थित होने वाले हैं विद्यार्थियों के लिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचना प्रियंक व्यास सर आपको देने जा रहे हैं। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाइयों में व्यस्त होंगे, अपने अध्ययन के अंदर लगे हुए होंगे। और हमारे द्वारा हिमांशु व्यास सर के द्वारा हमारे द्वारा जो डोज 11 कोर्स चलाया जा रहा है उसका आप काफ़ी बेनिफिट उठा रहे होंगे। तो मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको देने जा रहा हूँ कि कल से यानी कि शुक्रवार से हमारे यहाँ महासरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस की जो ऑफलाइन क्लासेस हैं यहाँ पर, तो यहाँ क्लासेस विधिवत रूप से प्रारंभ हो चुकी है, जिसके अंदर रीट की कोचिंग करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं जो रीट की कोचिंग करना चाह रहे हैं या ऋषभदेव के अंदर करना चाह रहे हैं और ऋषभदेव के आसपास के क्षेत्र के जो भी अभ्यर्थी जो इधर उधर भटकना नहीं चाह रहे वो जरूर हमारे यहाँ पर पधारें। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि हमारी इतनी विश्वसनीय फैकल्टी और इतनी बेहतरीन और आसान भाषा में समझाने की जो हमारी आदत है, जिसको आप अच्छी तरीके से देखते भी आ रहे हैं समझते भी आ रहे हैं, तो आपको जो चीज़ बहुत कठिन लगती होगी उसको हम इतनी आसान बनाकर और इतनी ट्रिकली आसान भाषा में आपको प्रस्तुत करेंगे कि आपका पूरा जो रीट का सिलेबस है बहुत ईजी और बहुत ही सरल हो जाएगा। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, कल से क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है। तो आप में से जो भी व्यक्ति अटेंड करना चाहता हो तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। और साथ में ध्यान रखें कि हमारे यहाँ पर आपको कोचिंग आ रहे ऐसी अनुभूति नहीं होगी, बल्कि आप एक परिवार की तरफ जा रहे हैं, एक पारिवारिक माहौल लगेगा, एक सहज वातावरण लगेगा और इस वातावरण के माध्यम से प्रत्येक बच्चे तक, प्रत्येक विद्यार्थी तक बहुत न्यूनतम से न्यूनतम शुल्क में, जिसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है, इतने न्यूनतम शुल्क में हम पूरा कंप्लीट रीट का इतना बड़ा सिलेबस है उसको कंप्लीट हम करवाएंगे विथ व्यवस्थित और विशेषज्ञ टीम, विशेषज्ञ की जो हमारी फैकल्टी उनके माध्यम से हर सब्जेक्ट की अपनी कमांड रखने वाला टीचर आप तक प्रस्तुत करेगा और आपको मजा आएगा। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि रीट की कोचिंग करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं एक बार जरूर सेवा का मौका दें और एक बार यहाँ पर पधारें, ऑफलाइन क्लासेस में पधारें, आपके इस महासरस्वती धाम परिवार में पधारें और आकर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। कल से प्रारंभ हो चुकी है, आप आना चाहें तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, कैरी ऑन सर। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है रीट की तैयारी के लिए और यहाँ पे विषय विशेषज्ञ द्वारा यहाँ पे आपको अध्यापन का कार्य करवाया जाएगा। और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, जब यहाँ से आप निकलेंगे बाहर कुछ ले के निकलेंगे, आप खुद आपस में चर्चा करेंगे कि वाह मज़ा आ गया। तो प्यारे विद्यार्थियों आगे हम आज के अंतिम दो क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन 10 देखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी की राशि अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 7.5 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख? जल्दी से उत्तर दीजिएगा। द राइट आंसर इज 25 लाख, 25 लाख कर दी गई है। 25 लाख दोस्तों, पहले 7.5 लाख रुपीज थी, आप खुद देख लीजिए कितना गुना बढ़ गई है, लगभग 3 से 3.5 गुना बढ़ गई है राशि। खिलाड़ियों के लिए बहुत ही अहम फैसला लिया गया है, वेरी नाइस। चलिए आगे लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की तरफ, किस देश ने पशुवध, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पशुवध पर रोक लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? न्यूजीलैंड, भारत, श्रीलंका, कनाडा? तो सरो आज नो लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल बढ़िया आंसर राइट करीन जसो ते तो खुशी थाएगा भाई, नहीं तो सब दाबा गोल थी जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न का आप जवाब बिल्कुल अच्छे से सही दीजिएगा। न्यूजीलैंड, भारत, श्रीलंका, कनाडा? आपको भारत लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल गलत उत्तर है दोस्तों, द राइट आंसर इज श्रीलंका। देखिए कितना अहम फैसला इस देश ने लिया है, जो कि हमारे भारत के दक्षिण की तरफ एक छोटा सा देश है श्रीलंका, लेकिन कितना बड़ा फैसला लिया है, पशु वध पर रोक लगा दी गई है। आपको याद होगा हमारे भारत के जो प्राचीन इतिहास में ये काम करने वाले थे महान सम्राट अशोक, उन्होंने ये काम किया था, तो भारत को तो और पहले कर देना चाहिए, परंतु अभी भी बहुत ही
शोचनीय विषय है। पशु वध पर अभी तक रोक लगाई नहीं गई है, केवल श्रीलंका को छोड़कर। और आप खुद सोचिएगा दोस्तों, यदि हमारे परिवार में, हमारा एक पूरा परिवार रहता है, बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता है, उनमें से यदि कोई एक किसी व्यक्ति को अगर मार दिया जाए, हमारे छोटे छोटे बच्चों को कोई अगर मार दे, तो आपको कैसा लगेगा दोस्तों, एक बार फील करके देखिएगा। तो फिर क्यों इन पशुओं का हम वध करते हैं, क्यों हम इन पशुओं का वध कर रहे हैं, उनके भी तो परिवार है, उनका भी तो एक फैमिली है दोस्तों, कैसा लगता होगा उनको भी। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से निवेदन है, आप अधिक से अधिक इस टॉपिक को अपने फ्रेंड तक पहुँचाएं, दोस्तों तक पहुँचाएं, उन्हें जागरूक करें कि, और सरकार से अपील करें आप, एक मुहिम चलाई जाए कि पशु वध पर रोक लगाई जाए। तो दोस्तों आज के ये डोज 11 के 11 क्वेश्चन थे, आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिएगा। आपको कैसा फील हो रहा है पढ़कर, कितना अनुभव आप ले पा रहे हो, कितना मजा आ रहा है, जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तब तक कल फिर से 6 बजे मिलेंगे, तब तक सभी दोस्तों को, सभी भाई सारे मारो राम राम, और सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।